हेलो गाइस, हाउ यू ऑल, ग्रीटिंग फ्रॉम मिस्टर आर। कैसे हैं आप सभी? सो बेसिकली जो है बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हैं फाउंडेशन प्रोग्राम के एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग। ठीक है, सो ऑब्वियसली बात है, परेशान होने वाली बात भी है, टेंस होने वाली बात है, क्योंकि 13th अगस्त से जो है फाउंडेशन प्रोग्राम के जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे, और एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल के जो प्रोग्राम है वो ऑलरेडी जो है एडमिट कार्ड जो है वो ऑलरेडी रिलीज कर दिए गए हैं इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, बट फाउंडेशन प्रोग्राम के जो एडमिट कार्ड हैं ये किसी भी टाइम जो है एडमिट कार्ड आपको रिलीज हो चुकी हैं, ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, सो किसी भी टाइम पे रिलीज कर दिया जाएगा आपको। इसके लिए जो है चैनल के साथ बने रहना पड़ेगा, मैं तुरंत ही वीडियो डाल दूंगा, और अगर चैनल पे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो वहां पे भी जरूर जो है आप ज्वाइन करिएगा, ताकि मैं आपको जो नोटिफिकेशन है तुरंत आपको मिल जाए एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग। ठीक है, सो फाउंडेशन प्रोग्राम के बच्चे जो है परेशान ना हो, इंस्टीट्यूट को पता है, ऑफकोर्स जो है फाउंडेशन प्रोग्राम, क्योंकि अभी CSEET जो है आया है, सो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट है वो CSEET से है, फाउंडेशन प्रोग्राम के स्टूडेंट कम है। ठीक है, सो उसमें जो गलतियां या फिर मिस्टेक होने वाली जो बात है वो कम होगी, मतलब इंस्टीट्यूट की साइड से मिस्टेक नहीं होंगी, सो दैट आपका जो एडमिट कार्ड है इजिली जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक। ठीक है, सो किसी भी टाइम आ सकता है, ऑफकोर्स है बिना एडमिट कार्ड के जो है आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ये इंस्टीट्यूट को भी पता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ही ये गाइडलाइंस दी है। राइट, सो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल सा अपना स्टडी करिएगा। एक नोटिफिकेशन के लिए आप या तो सब्सक्राइब करिएगा या फिर चैनल पे आइएगा, मैं आपको वहां दोनों जगह बता दूंगा कि कल जो है आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। ठीक है, सो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जल्दी जल्दी आपका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो जाएगा। इनकेस जो है यार अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भी आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम मेनली क्या आती है कि आपका जो सिग्नेचर है या फिर फोटोग्राफ है उसमें आपको प्रॉब्लम आती है, ब्लर आता है, कई स्टूडेंट का जो है शो नहीं होता है। ठीक है, सो सिंपल सा क्या करना है, सपोज आपका सिग्नेचर या फिर फोटोग्राफ गलत है तो आप जो है ऊपर से कर सकते हैं, एक फोटो चिपकाइएगा, अगर फोटो गलत है या सिग्नेचर अगर रॉन्ग है सिग्नेचर, ठीक है, या फिर ब्लर आ रखा है तो ऊपर से सिग्नेचर करिएगा एंड गेट इट अटेस्टेड बाय CS या फिर जो भी जो है ऑथराइज पर्सन है उनसे जो है आप अटेस्ट करा सकते हैं, तो आपको जो एडमिट कार्ड है ये वैलिड हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इंस्टेंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आएगी तो परेशान भी होंगे। राइट, तो अभी एग्जाम का भी टेंशन चल रहा है, एडमिट कार्ड का भी टेंशन रहेगा, तो इस तरह के घबराने वाली बात नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपका जो अगर प्रॉब्लम आती है सो आप सॉल्व करिएगा, कंप्लेन रेज मत करिएगा क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा, सिंपल सा जो है पेस्ट करिएगा और गेट इट अटेस्टेड बाय ऑथराइज पर्सन। ठीक है, सो डेफिनेटली वैलिड हो जाएगा। इसके साथ जो है आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भी जो है सबमिट करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन फॉर्म मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप जो है एग्जीक्यूटिव वाले जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन है वहां पे जाकर के डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करिएगा, भर के रखिएगा फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए। ठीक है, और इसके अलावा जो है आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड जो है CS आइडेंटिटी कार्ड जो है आप अपने स्मैश पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको अटैच कराना जरूरी होता है। इनकेस अगर नहीं करा पाता है या फिर डाउनलोड नहीं हो पाता है आइडेंटिटी कार्ड, कंपनी सेक्रेटरी का आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाता है, तो सिंपल सा आप कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी कार्ड ले जाएगा, जैसे जो है आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब ले जा सकते हैं। तो तीन चीज बेसिकली आपको ले जानी है, एक जो है आपका एडमिट कार्ड जल्दी रिलीज हो जाएगा, दूसरा डिक्लेरेशन फॉर्म जो है आपको डाउनलोड करके फिल करना है। कैसे फिल करना है उसमें मिस्टेक नहीं करनी है, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जाके चेक कर लीजिएगा, और उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, तो दूसरा हो गया आपका डिक्लेरेशन फॉर्म, तीसरा हो गया आपका आइडेंटिटी कार्ड, सिर्फ ये तीनों ले जाना है, और 13 और 14 अगस्त का आपका एग्जाम है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेंशन नहीं लेना है, बी ऑन स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल टेलीग्राम चैनल, सो दैट आपको कोई भी जो अपडेट है वो मिस ना हो। ठीक है, सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम वेरी वेरी थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द दिस एग्जाम। अगर आप एग्जाम जो भी फाउंडेशन प्रोग्राम के स्टूडेंट है आप फोड़ देंगे। ठीक है, सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा।